compound microscope. It is a combination of lenses. Combination of lenses की calculation हम पहले पढ़ चुके हैं. It is a particular combination with certain characteristic. Compound microscope किसके लिए use करेंगे? To see small things enlarged. बहुत छोटी चीजें हैं और हमने उनको बड़ा करके देखना है. और आपने लैब में देखा है, छोटे छोटे सैंपल हम लेकर आते हैं और जैसे बायो की लैब में स्पेशली उसको हम माइक्रोस्कोप से बड़ा करके देखते हैं. वो ऑब्जेक्ट बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम उसको हाथ में ले सकते हैं, टेबल में रख सकते हैं, अपनी लैब में रख सकते हैं और उसको हमको बड़ा करके देखना है. ओके, तो हम जो ऑब्जेक्ट लेते हैं उसके सामने पहले एक छोटा सा लेंस रखते हैं. दिस, ये एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ बहुत छोटी होती है. सो आई विल मेक ए कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस हियर एंड प्लेस द लेंसेस ऑन दैट प्रिंसिपल एक्सिस. इट हैज गॉट ए वेरी स्मॉल फोकल लेंथ एफ. ओके, दिस इज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर समवेयर between focus length and objective, very close to focal length but on the other side of the focal length here. This is a very small object जिसको हमको बड़ा करके देखना है. Okay, ये इसकी focal length है. Let us say it is here and on the same. This is focal length. So, थोड़ा सा छोटा बन गया है. Let me make it again. हाँ, इस डायग्राम को जरा समझिए. देर इज वन लेंस हियर, इट हैज गॉट अ वेरी स्मॉल फोकल लेंथ, दिस मच दिस मच. तो ये यहां से यहां और यहां से यहां, दिस इज फोकल लेंथ. फोकल लेंथ, हियर वी प्लेस एन ऑब्जेक्ट विच इज अ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट ए बी, बी ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज नोन एज ऑब्जेक्टिव लेंस बिकॉज इट इज क्लोज टू ऑब्जेक्ट. यहां से हमने दो रेज ली हैं. वन इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दैट विल पास थ्रू फोकस एंड गो. अदर पासिंग थ्रू ऑब्जेक्ट, ये ऑप्टिकल सेंटर एंड दिस विल गो स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन. बोथ विल मेक ए रियल इमेज हियर, क्योंकि हम लोगों को पता है इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड 2f डिस्टेंस देन इमेज विल बी आफ्टर 2f डिस्टेंस समवेयर बिटवीन 2f एंड इंफिनिटी एंड दिस विल बी एनलार्ज्ड. ओके, सो दिस इज फॉर्म्ड हियर. ये इमेज बनी, वी विल कॉल इट ए डैश बी डैश. So A dash B dash is image of the AB made by the objective lens. This is a real image, enlarged on the other side and magnified. ठीक है. Now इसके सामने हमने एक अपना magnifying glass रखा, जो भी अभी हमने पढ़ा, simple microscope. इसको इसके सामने रखेंगे और ये वाला distance हमने कितना ले लिया, focal length of eyepiece. ये if this is focal length of eyepiece, then all the rays going from here will become parallel. तो यहां से एक ray जो optical center में गई, that will go straight. One which has gone parallel to the principal axis, that will go through focus of eyepiece. Focus of eyepiece.
So it will go through focus and both will become parallel because this location is at focal length. अब अगर ये ऐसी गई हैं एंड वी ऑब्जर्व इट हियर, यहां पर हम इसको देख रहे हैं थ्रू द टेलीस्कोप. वंस वी सी इट थ्रू द टेलीस्कोप तो इसकी इमेज हमको कहां दिखेगी? आंसर है दिस विल गो टू इंफिनिटी. तो ये वाली सेटिंग कौन सी सेटिंग है? This is setting for relaxed eyes. Or setting for parallel rays. Okay. There will be two type of setting. One, if the image is formed at distinct vision. Other, if the rays are coming parallel, setting for relaxed eyes. So this case we are examining first, that diagram we will make later. Okay, now here, this is how it's happening. अब यहां पर जो हमको ऑब्जेक्ट दिखता है वो हमको बहुत बड़ा दिखता है. कितना बड़ा हो चुका है तो पहले हमने निकालना है उसका मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन का हमारा फॉर्मूला क्या होगा? That is magnification कहीं पर भी यहां जाकर एक बहुत बड़ा इमेज ऐसा हमने बनाया. This is a result of this which is A dash B dash anywhere. तो magnification किसको बोलेंगे? Start किससे किया था? AB. फाइनल इमेज क्या बना? ए डैश बी डैश. सो व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप? दिस इज इक्वल टू ए, इसका हमने नाम रखा ए डबल डैश बी डबल डैश. क्यों? इसका नाम क्या है? ए डैश बी डैश. सो दिस इज ए बी, ए डैश बी डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश. So magnification is final image size A double dash B double dash divided by original object size AB. Is this correct? Finally हमको सब होने के बाद में last में क्या मिलता है? A double dash B double dash. Okay, ये आया. Now this we can write as A double dash B double dash divided by A dash B dash into A dash B dash मल्टी डिवाइडेड बाय ए बी. नाउ दिस, व्हाट इज दिस? इस लेंस के लिए देखिए, आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? ए डैश बी डैश. और इसने इमेज कहां बनाई? ए डबल डैश बी डबल डैश. तो ये क्या है? मैग्निफिकेशन डन बाय आई पीस. और ये क्या है? ए डैश बी डैश. दिस इज इमेज, this is object, and this magnification is done by this lens. ye lens kaun sa hai? Objective. So this is magnification done by objective, magnification done by objective. aur ye dono mila kar humko kya result dete hain? Magnification done by microscope. So magnification of microscope दोनों के मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट होता है, एडिशन नहीं होता है. ये आपको याद रखना है, ठीक है? सो ये छोटी सी कैलकुलेशन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस कैलकुलेशन? शोइंग द रिलेशन बिटवीन मैग्निफिकेशन डन बाय वन लेंस एंड मैग्निफिकेशन डन बाय द अदर लेंस. द टोटल मैग्निफिकेशन विल बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू एंड नॉट द एडिशन ऑफ द टू. तो एक ने मैग्निफिकेशन टू किया, दूसरे ने थ्री किया, तो दोनों ने मिलाकर फाइव करेंगे कि सिक्स करेंगे? यस, टू इंटू थ्री सिक्स, नॉट फाइव. ओके, ये हमको फॉर्मूला मिला. अब मैग्निफिकेशन बाय आईपीस एंड मैग्निफिकेशन बाय, यहां पर हम लेते हैं, दिस इज फार अवे, वी नीड नॉट मेक इट, वी मेड इट ओनली फॉर कैलकुलेशन पर्पस एनीवे. सो magnification is equal to magnification by objective
multiplied by magnification by eyepiece. What is magnification by objective? Magnification के हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं. We use the formula V U. V upon U. V for objective, U for objective. Where is V for objective? Answer, this is V for objective. This is U for objective. So V for objective, U for objective multiplied by magnification by this. और इसका magnification हम लोगों ने अभी अभी किया है सिंपल माइक्रोस्कोप में. ये कितना होता है? D upon F. किसकी फोकल लेंथ? आई पीस की. सो दिस इज मैग्निफिकेशन फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप. और ये मैग्निफिकेशन आप देख रहे हैं, V इज मच लार्जर देन U. तो ये दिस इज ए लार्ज नंबर. D इज ऑल्सो मच लार्जर देन Fe. सो दिस इज ऑल्सो ए लार्ज नंबर. सो दिस इज ए वेरी लार्ज नंबर. इसमें हम लोग छोटा सा अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं कि इसकी फोकल लेंथ का क्या इफेक्ट है. ओके, सी, ये हमारा एक्चुअल फॉर्मूला है. और ये फॉर्मूला किस सेटिंग के लिए है? दिस इज फॉर, यस, रिलैक्स्ड आइज सेटिंग. अब यहां पर दिस डिस्टेंस इज U, दिस डिस्टेंस इज F. And this object is kept very close to focal length so that this becomes as large as possible. तो हम approximately ये मान सकते हैं कि ये U जो है FO के equal है. क्योंकि जितना FO बड़ा होता जाएगा उतना ही हम U को भी हमको बाहर रखना पड़ेगा. तो U किस पर डिपेंड करता है? FO पे डिपेंड करता है. अगर FO छोटा कर देंगे तो U को भी हम छोटा कर सकते हैं, बिकॉज इट हैज टू बी कैप आउटसाइड फोकल लेंथ. सो UO इज अप्रोक्सीमेटली FO. ये तो अब VO, VO, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप? आंसर, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेस. This is length of the microscope, distance between two lenses. Okay. अब आप ये देखिए कि ये वाला जो distance है VO, VO distance is very close to L distance because this focal length is again very small. तो VO almost किसके बराबर है? Length of the microscope के बराबर है. अगर length हमको और ज्यादा मिलेगी तो हम VO को और पीछे बना देंगे. तो VO को हम हमेशा किसके क्लोज रखते हैं? लेंथ के अप्रोक्सीमेटली क्लोज रखते हैं. सो दिस इज वेरी रफली, रफली M किसके बराबर होता है? L अपॉन FO D अपॉन FE. ये हमने बनाया है. दिस फॉर्मूला इज नॉट फॉर कैलकुलेशन. It is only to see the effect of different quantities, especially which quantity? Focal lengths. दोनों focal length denominator में हैं. अगर हमको magnification बहुत ज्यादा चाहिए, we want a large magnification, then how should be FO? Small. How should be FE? Small. So we will remember in microscope, FO and FE both should be small. This is the reason. In microscope, FO and FE, both should be small. ये microscope की कौन सी setting? Setting for parallel rays, setting for relaxed eyes. So, इसमें हमने basically दो चीजें study की. नंबर एक, दैट मैग्निफिकेशन बाय ए माइक्रोस्कोप इज अफेक्टेड बाय मैग्निफिकेशन डन बाय ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, एंड इट इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू मैग्निफिकेशंस, प्रोडक्ट ऑफ द टू. नंबर वन. नंबर टू, द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड फोकल लेंथ ऑफ आईपीस शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल फॉर ए लार्ज मैग्निफिकेशन, राइट?
सो दीज आर द टू थिंग्स विच वी हैव स्टडीड. इसके बाद इसके और बहुत सारे फीचर होते हैं दैट वी विल स्टडी अगेन वंस व्हेन वी विल डू रिजोल्यूशन, रिजोल्विंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप. ठीक है, सो ये एक सेटिंग है. इसमें आपको एक डायग्राम और आना चाहिए. इफ वी वॉन्ट टू सी द ऑब्जेक्ट लार्जर देन दिस, ये इससे भी हम थोड़ा सा बड़ा देख सकते हैं. इफ वी कीप द इमेज एट डिस्टिंक्ट विजन, अभी इमेज हम कहां बनवा रहे हैं, इंफिनिटी पे, सो दैट अवर आईज रिमेन रिलैक्स्ड फॉर द पैरेलल रेज. अगर हम इसका इमेज डिस्टिंक्ट विजन पर बनाएंगे, द इमेज विल बी स्टिल लार्जर देन दिस, बट अवर आईज विल बी स्ट्रेन. सो यू मस्ट नो डायग्राम फॉर दैट ऑल्सो, और वो डायग्राम ज्यादा मुश्किल नहीं होगा. हैव यू मेड दिस डायग्राम? ओके, तो मैं इसी में आपको उसका डायग्राम भी बना देता हूं विद सर्टेन चेंजेस. इफ यू वॉन्ट यू कैन मेक ए सेपरेट वन. जो हमने एक सेटिंग पढ़ी थी दैट वॉज फॉर डिस्टिंक्ट विजन, उसमें आई पीस और उसका ऑब्जेक्ट इसको कैसे रखा था. द ऑब्जेक्ट वॉज नॉट एट द फोकस बट लिटिल इनसाइड द फोकल लेंथ, ऐसा किया था, यू रिमेंबर दैट. तो अभी हम क्या करते हैं, इस लेंस को थोड़ा सा इधर स्लाइड कर देते हैं. अगर हमने इस लेंस को थोड़ा सा इधर स्लाइड किया तो इसका ये जो फोकस है जो अभी यहां पर है, ये फोकस यहां आ जाएगा. ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट अब कहां हो गया, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर. जब ये बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा तो ये इसकी सेटिंग चेंज हो जाएगी. अब इसकी सेटिंग किस तरह की हो जाएगी, दिस विल बी ये डिस्टेंस बड़ा और ये डिस्टेंस छोटा, दिस इज फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, ऐसे. तो अब इसकी रे किस तरह से जाएगी, देखिए, नाउ दिस विल गो लाइक दिस एंड दिस इज गोइंग दिस वे. अब हमको ये ऑब्जेक्ट कहां दिखेगा, तो आंसर है दोनों को एक्सटेंड करते हैं और इसको हमने इस तरह से एडजस्ट किया कि ये यहां पर हमको ऑब्जेक्ट दिखता है. इसको आगे पीछे करके ऐसा एडजस्ट किया कि ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस बिकम डी, और यहां पर कौन बना, ए डबल डैश. ये जो डायग्राम है, दिस गिव्स सेटिंग फॉर डिस्टिंक्ट विजन. ये ए डबल डैश और यहां से परपेंडिकुलर हमने बनाया दिस परपेंडिकुलर, दिस इज बी डबल डैश. अब दिस इज सेटिंग फॉर डिस्टिंक्ट विजन. ये सेटिंग फॉर डिस्टिंक्ट विजन, the eye lens is adjusted in such a way that this image comes between focus and optical center so that there will be a virtual image on the same side which is larger. ye wo wali setting aa gayi aur ab humne iska u adjust kiya aage piche karke. u ko is tarah se adjust kiya ki v kiske barabar ho jaye, d ke barabar. अगर ये V हमने D के बराबर कर लिया तो आईज को अब ये इमेज कैसी दिखेगी, वेरी वेरी डिस्टिंक्ट. ठीक है, दिस इज मैक्सिमम व्हाट एन आई कैन सी. सो दिस इज रे डायग्राम फॉर डिस्टिंक्ट विजन. ये रे डायग्राम भी आपको बनाना आना चाहिए, और पहले कौन सा था, और पैरेलल रेज.
तो जिसके लिए पूछा जाएगा यू शुड बी एबल टू मेक द टू. अब देखिए इसमें मैग्निफिकेशन कितना, फिर से ये मैग्निफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप इज ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाय ओरिजिनल ए बी, सेम थिंग. सो इट विल कम टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू, राइट, सेम थिंग अगेन. एमओ अपॉन एम ई, इन एमओ अपॉन एम ई, एम ओ इज वॉट वी ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाय यू ऑब्जेक्टिव, सेम, नो डिफरेंस. बट हियर इज द चेंज एम ई. अब मैग्निफिकेशन बाय आई पीस कितना हो गया, फॉर डिस्टिंक्ट विजन वी हैड ए डिफरेंट रिलेशन, वॉट वॉज दैट? यस, ये आया 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, दैट इज द ओनली डिफरेंस, बस बाकी सब वही है. ठीक है, तो पहले हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, डी अपॉन एफ ई से, अब उसमें 1 प्लस और आ गया, दिस इज मोर, सो नाउ मैग्निफिकेशन विल बी मोर. ओके, तो ये आपको समझ आ गया, ये सेटिंग किसकी है, डिस्टिंक्ट विजन. ओके, सो दिस इज फ्यू थिंग्स अबाउट माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप में कई बार पूछा जाता है व्हाई द ऑब्जेक्टिव लेंस इज स्मॉल इन डायमीटर. सो आंसर इज बिकॉज वी नीड टू हैव ए वेरी स्मॉल फोकल लेंथ, सो द रेडियस ऑफ कर्वेचर हैज टू बी लार्ज एंड दैट इज पॉसिबल इन स्मॉल लेंसेज ओनली. ठीक है, इसलिए हमको उसका साइज छोटा रखना पड़ता है बिकॉज फोकल लेंथ इज वेरी स्मॉल एंड वी हैव टू कीप ऑब्जेक्ट नियर द फोकल लेंथ, सो इट हैज टू बी स्मॉल. ओके, सो दिस इज अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड आफ्टर दैट वी विल स्टडी टेलीस्कोप इन द नेक्स्ट क्लास.